हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने एक गिलास चावल लिए थे, आधा आधा कप दो तरह की दाल ली थी, चने वाली और उड़द वाली। मैंने इसको रात में भिगो करके रख दिया था। ये देखिए हमने मिक्सी के जार में डाल लिया इसको, और ये हमारा 1 कप पानी है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 चम्मच की बराबर। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से बनाना है। ये देखिए अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है, और इसमें बहुत ही कम पानी लगा है। ये मैंने 1 कप पानी लिया था, इसमें से अभी आधे से थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों डोसा का पेस्ट तैयार हो गया है, और ये मैंने आलू फोड़ लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे फोड़े हैं। ये 1 टमाटर, 1 मिर्ची, 1 प्याज काटी हुई है। तो मैं डोसे में भरने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। अब डाल लेंगे इसमें टमाटर मिर्ची, अच्छे से भून लेंगे इसको। अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। मैं थोड़ा चटपटा बनाऊंगी, आप अपने हिसाब से बनाना। अब हम आलू डालेंगे इसमें। ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है, अब हम बनाएंगे डोसा। थोड़े इस पे हम पानी के छींटे मारेंगे, फिर सूती कपड़े से इसको पोंछ लेंगे अच्छे से। अब हम बनाएंगे डोसा। अब इस पर लगाएंगे हम मसाला अच्छे से। अब इस पे हम घिसेंगे थोड़ा पनीर। ये देखिए हमारा डोसा बन करके तैयार हो गया है, अच्छे से सिक गया है। ये देखिए हमारा डोसा बन करके एकदम से रेडी है, तैयार हो गया है। मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।